नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube के इस अनदर वीडियो में। दोस्तों आज मैं थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें आपसे शेयर करूंगा, मोस्टली इसलिए क्योंकि कई सारे मेरे होम्योपैथिक फ्रेंड भी मुझे देखते रहते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो भी मुझे देखते हैं और कई सारे प्रैक्टिशनर भी देखते हैं। कई सारी बार मुझे ईमेल्स भी आए कि सर वैस्कुलर नेक्रोसिस हुआ तो है, मेनली देखा जाए तो 100 में से लगभग 70% पेशेंट आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड के हैं और कोविड के दौरान स्टेरॉइड लगा था, इस कारण से जो है उनको एवियन हो गया। पर क्या ये स्टेरॉइड नए तो नहीं थे? डेक्सामेथासोन नया तो नहीं था, प्रेडनिसोलोन नए तो नहीं थे, ये तो पहले भी लोगों को दिए जाते थे। पर इस कोविड के बाद से ही एवियन नाम की बीमारी इतनी ज़्यादा प्रचलन में कैसी आई है? तो थोड़ी सी मैं आपको बात करूंगा एक फिलोसॉफिकल बेस इस डिजीज़ का, एवियन की फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों व्यक्तियों को एवियन हुआ, इसके पीछे का कारण हम फिलोसॉफी में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि आप होम्योपैथी के जानकार हैं तो आपको पता होगा कि द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो हमारी बुक है वो पूरी की पूरी फिलोसॉफी पर बेस है और हम उसी पर ज़्यादा फोकस करके थ्रू होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअलाइजेशन को ले लें, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को ले लें या एफोरिज्म में जो भी बताया गया है, वो सारी चीज़ें इथिकल बेस्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिस यदि हम करते हैं तो हमें हर बीमारी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उस बीमारी उस पर्टिकुलर पर्सन को क्यों ही। तो जब मेरे एक एनालिसिस में ये आता है, जब से कोविड के बाद से हम लोगों ने पोस्ट कोविड एवियन के पेशेंट देखे हैं जिसको स्टेरॉइड इंड्यूस एवियन कहते हैं, तो उसमें मोस्टली बैकग्राउंड में यही रहा है कि एवियन जो है उसके पहले उन्हें कोविड था, कोविड के समय बहुत ज़्यादा डर का माहौल रहा है। और वो डर का माहौल कैसा था, सपोज़ कीजिए कोई पेशेंट है जिसको कोविड हुआ था उस समय फर्स्ट लहर में सेकेंड लहर में, तो उस समय वो बेड पर लेटा हुआ है और उसके आईसीयू के या जो भी वार्ड है उसमें कई सारे मरीज हैं, उसके पड़ोस में मरीज है, उसके लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड पर सब दूर मरीज है, ठीक है। और वो देख रहा है मरीज कि मेरे सामने वाला व्यक्ति ख़त्म हो गया कोविड के कारण, इधर वाला भी ख़त्म हो गया, उस वाला भी ख़त्म हो गया, तो ये जो सामने एक ही दिन में व्यक्तियों ने 50-50 मौतें अपने आंखों के सामने देखी है, एज ए डॉक्टर हम तो देखते ही थे पर पेशेंट के मन में जिसने ऐसा इस भयावह स्थिति का सामना नहीं किया हुआ था उस समय, वो खुद लेटा हुआ है, वो खुद पेशेंट है और उसी के जैसे कंडीशन वाले कई सारे मरीज अपने आंखों के सामने जाता हुआ वो देख रहा था, ख़त्म होता हुआ देख रहा था, मरते हुए देख रहा था। तो उस कंडीशन में जो मेंटल थॉट्स आ रहे थे दिमाग में कि अगली बारी तो मेरी भी हो सकती है, वो चले गया तो हो सकता है मैं भी चले जाऊँ, मेरे पड़ोसी चले गया मुझे भी कोविड है तो कहीं मैं तो नहीं मर जाऊँगा, मेरे रिलेटिव थे वो तो बहुत अच्छे हष्ट पुष्ट थे पर उन्हें बस सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ और 2 से 4 दिन में ही वो चल बसे, तो मेरी तो इम्यूनिटी उनसे भी वीक है तो मेरा क्या होगा। ये जो ख्याल थे कोविड के समय में, ये जो थॉट्स थे, और उस समय जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, हम घर वालों के पास नहीं जा सकते थे, हमें आइसोलेट कर दिया गया था, हमें समाज से हटा दिया गया था, और उस समाज से हटाने के बाद में भी न डॉक्टर हमसे सही से बात कर रहा है, न पैरामेडिकल स्टाफ सही से बात कर रहा है, न हमें हमारी बीमारी की कंडीशन पता लग पा रही है, न हमें ये पता लग पा रहा है कि हमें मेडिकेशन क्या दिया जा रहा है, न हमें ये पता लग पा रहा है कि हमारा ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, न हमें ये पता लग पा रहा है कि क्या हम ठीक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जिनके बैकग्राउंड में डर था वो हमारे अंदर आने लगे थे। तो एक रूब्रिक निकल करके आता है दोस्तों, होम्योपैथी के जानकार समझ पाएंगे इसको फिर से अगेन, एक रूब्रिक आता है फियर ऑफ डेथ, ठीक है। अब फियर ऑफ डेथ जहाँ पर आ गई वहाँ पर हमारी कई सारी मेडिसिन्स आ जाती है। तो फियर ऑफ डेथ एवियन के बैकग्राउंड में रहा है, कोविड के समय में जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हुए थे जिनको हैवी डोज स्टेरॉइड का लगा था, तो दो प्रकार से स्टेरॉइड ने उन्हें इफेक्ट किया है। पहला तो उसकी जो फार्माक्यूटिकल जो उसका एक्शन है स्टेरॉइड का, उस कारण से तो एवियन कॉज हुआ ही है, परंतु ये स्टेरॉइड कई लंबे समय से लगाते रहे हैं फिर एवियन नहीं हुआ पर अभी हुआ, उसका कारण क्या था कि जो फियर ऑफ डेथ था हमारे अंदर, मरने का जो डर था, उस डर के कारण ये स्टेरॉइड का असर और बूस्टअप हो गया और
जिस कंडीशन में हम थे उस कंडीशन से बाहर तो आ गए उस दवाइयों से, पर उसके बैकग्राउंड में एवियन हमें गिफ्ट के रूप में मिल गया। ठीक है, तो स्टेरॉइड का असर तो हुआ, जैसा पहले होता था वैसे ही हुआ, कोविड के पहले जैसा होता था डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोलोन एक्सवाइजेड जो भी देते हैं स्टेरॉइड्स, उसका असर पहले जितना था उतना तो था ही था, पर जो फियर ऑफ डेथ था वो जुड़ गया उसके साथ में। इस कारण से हमारे अंतः मन में ये सारी चीज़ें बैठ गई और वही चीज़ें जो डिस्ट्रक्टिव नेचर हम लोग देख रहे थे, डिस्ट्रक्शन नरसंहार देख रहे थे एक तरीके से, हम ये भी चले गया वो भी चले गया, फ़ोन आते थे कि ये भी ख़त्म हो गए वो ख़त्म हो गए, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना वहाँ पर, है ना। तो इसी कारण बोन में भी डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन हो गया, डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन जिसको हम एवियन कहते हैं, आपकी MRI में लिखा हुआ आता है कि डिस्ट्रक्टिव चेंजेस, है ना, मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ सड़ रहा है, कुछ गल रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ शरीर हो रहा है, किसी का पतन हो रहा है। बस यही डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जो उस समय आए थे उन्हीं ने अवचेतन मन में हमारे ये बिठा दिया था, स्टेरॉइड का असर जुड़ गया उसके साथ में, इस कारण से हमारे शरीर में डिस्ट्रक्शन होने लगा और ये डिस्ट्रक्शन शरीर के सबसे मजबूत हिस्से में जिसको हम हड्डियाँ कहते हैं उसमें हुआ, क्योंकि उस समय में मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी डरा हुआ था, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी डरा हुआ था। तो इसीलिए शरीर के सबसे ज़्यादा जो मजबूत हिस्सा हमारा हड्डी होती है उस पर डिस्ट्रक्शन हुआ, तो बैकग्राउंड में क्या निकल के आया, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, जो हमारे विचार थे डिस्ट्रक्शन वाले, फियर ऑफ डेथ था, अलोन हम ले रहने लगे थे, अकेले रहने लगे थे, ये बैकग्राउंड जो है, हम यदि फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की बात करें तो एवियन में ये निकल के आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 100% में तो नहीं बोलूँगा, पर मोस्ट प्रोबेबली जो आजकल पेशेंट आ रहे हैं पोस्ट कोविड कंप्लेन वाले, उनमें यही बैकग्राउंड देखने को मिला है सभी केसेस में जो पोस्ट कोविड वाले हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो कहने का मतलब यह है, आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं आया होगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मेरे होम्योपैथी के फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो कोरिलेट कर पाएंगे, वो पेशेंट को अच्छे से देख पाएंगे और उसकी सही करेक्ट एक्यूरेट मेडिसिन निकाल पाएंगे, कि फियर ऑफ डेथ, पेशेंट जो अलोन हो गया, तो उसके रूब्रिक्स बना करके आप प्रिपटराइज करें, आपको आपकी क्लासिकल मेडिसिन ज़रूर मिलेगी जिससे आपका पेशेंट ज़रूर ठीक होगा। तो ये वीडियो जो है मोस्टली डेडिकेटेड मेरे स्टूडेंट्स के लिए था, या मेरे साथ के जितने भी साथी हैं होम्योपैथी को लेकर के, जिनको इंटरेस्ट है, जो एवियन के केसेस देखना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लू था। आप इस प्रकार से हर एक पेशेंट के केस को स्टडी करें, यदि आपने इस प्रकार से स्टडी करना शुरू कर दी दोस्तों, तो मैं ये मानता हूँ कि जो कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो होम्योपैथी में बहुत ताकत है, आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये बताया था मुझे कि सर आप ऐसे वीडियो बनाओ, तो मैंने ही बनाया। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जो है एवियन का क्या है, एवियन के पेशेंट को भी समझ में आना चाहिए, आई होप आपको आया होगा, थोड़ा सा हम लोगों ने फिलोसॉफिकल बात की है। ठीक है, तो आई होप आ गया होगा आपके समझ में, नहीं आया हो कमेंट कर सकते हैं कुछ चीज़, यदि आपको फिलोसॉफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इसको फिर से एक बार सुने, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटे छोटे से क्लू निकल करके आएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक लोगों को, सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी फैमिली को आगे ज़रूर बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें जिनको इस प्रकार के वीडियोस की नीड है, जो डिप्रेशन में है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, यही हमारे लिए बहुत है। तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।